हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी। दिस इज ज्योति वर्मा एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। सो जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग पिछले वीडियोस में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ चुके हैं, हम लोग एफिनिटीज ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स पढ़ चुके हैं और क्लासिफिकेशन भी हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन आज जो वीडियो है वो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स पे है और जो अगला वीडियो होगा वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स पे होगा। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल के बारे में। सो लेट्स स्टडी अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। सो एज यू ऑल नो दैट जिम्नोस्पर्म्स शो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब होता है? दो फेजेज होते हैं लाइफ साइकिल में, एक होता है स्पोरोफिटिक फेज जो कि डिप्लॉइड होता है और एक होता है गैमेटोफिटिक फेज जो कि हैप्लॉइड होता है। तो ये दोनों ही फेजेस आपको लाइफ साइकिल में देखने को मिलें, सो उस तरीके की लाइफ साइकिल को हम हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, यानी एक फेज दूसरे फेज के बाद अल्टरनेट वे में आ रहा हो, साइक्लिक मैनर में आ रहा हो, सो उसे हम हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। सो मैंने जो लाइफ साइकिल ली है आपको समझाने के लिए वो ली है पाइनस की। इस लाइफ साइकिल में मैंने बेसिक पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, बाकी इसके अलावा जो पाइनस की लाइफ साइकिल और बाकी जो स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में है, सो वो चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं की हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर बेसिक लाइफ साइकिल डिस्कस किए ताकि आपको एक आउटलाइन समझ में आ जाए कि जिम्नोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है और किस तरीके से हो रहा है। एक जनरल आउटलाइन को बताने के लिए ये फॉर्म मैंने यूज़ किया है। तो अगर हम बात करें पाइनस की, तो पाइनस जिम्नोस्पर्म्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, यानी कि डिप्लॉइड होती है। दूसरी बात, जो पाइनस है वो मोनोइशियस है। मोनोइशियस का मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल कोन दोनों ही सेम प्लांट पे प्रेजेंट है, जबकि जो डायशियस होते हैं उसमें मेल और फीमेल कोन दोनों अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। बट पाइनस के केस में जो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ हैं वो मोनोइशियस हैं। अब इसमें होता क्या है, ये जो फीमेल और मेल कोन है ये आखिर बना कैसे है? ये बना है स्पोरोफिल्स के एग्रीगेशन से। सो अगर हम बात करें फीमेल कोन की, तो फीमेल कोन में बहुत सारी जो है लीव्स प्रेजेंट होती हैं, स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एलएस है इस कोन का। इस कोन को जब आप लॉन्गिट्यूडनली इसका सेक्शन कट करोगे ब्लेड से तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सो इसमें आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये मेगा स्पोरोफिल हैं, क्योंकि फीमेल कोन के केस में जो स्पोरोफिल्स होते हैं उन्हें हम मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। सो फीमेल कोन क्या है? फीमेल कोन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ मेगा स्पोरोफिल्स अलोंग अ सेंट्रल एक्सिस। सो एक सेंट्रल एक्सिस पे मेगा स्पोरोफिल्स अरेंज्ड होके कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये तो हो गया फीमेल कोन का एलएस। दूसरी बात अगर हम मेल कोन के केस में करें, सो मेल कोन का अगर आप एलएस काटोगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो इसमें भी क्या है, इसमें जो स्पोरोफिल्स लगी हैं वो है माइक्रोस्पोरोफिल। ओके, मेल कोन के केस में जो स्पोरोफिल लगी होंगी वो माइक्रोस्पोरोफिल होंगी और फीमेल कोन के केस में जो स्पोरोफिल लगी होंगी वो मेगा स्पोरोफिल्स होंगी। सो मेल कोन कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल्स टूवर्ड्स अ सेंट्रल एक्सिस। तो ये हो गई मेल कोन के स्ट्रक्चर की बात। अब इसमें थोड़ा हम लोग इंटरनली मूव करते हैं, ये तो हो गए कोन की बात। अब कोन में भी जो स्पोरोफिल्स हैं उनकी बात हम करते हैं, तो स्पोरोफिल में जो मेगा स्पोरोफिल हैं उसमें आपको तीन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। एक तो है आपका ओव्यूल,
दूसरा है आपका ओव्यूलीफेरस स्केल और तीसरा है ब्रैक्ट स्केल। ये पाइनस की स्पेसिफिकली बात हो रही है इसलिए इसको पाइनस के ही सेंस में समझिए। बाकी सारे जिम्नोस्पर्म्स में अलग अलग तरीके के कोन होते हैं और अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है। बट जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल को एक जनरल आउटलाइन में समझाने के लिए हमने एज पाइनस एग्जाम्पल लिया है। सो पाइनस का ये जो कोन है उसमें आपको ओव्यूलीफेरस स्केल, ब्रैक्ट स्केल और ओव्यूल देखने को मिलेगा। तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर हम मेल के उनकी बात करें तो जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है और उसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। सो अगर हम यहाँ पे मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का, अगर आप इसमें से एक स्पोरोफिल फॉर्सेप्स से निकाल लें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। किस तरीके का, जिसमें यहाँ पे एक ओव्यूलीफेरस स्केल प्रेजेंट होगी, ये ब्रैक्ट स्केल है और ये ओव्यूल है। अब अगर आप ओव्यूलीफेरस स्केल को भी सेपरेट आउट कर लेते हो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक ओव्यूलीफेरस स्केल में दो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो एपिकल स्ट्रक्चर है उसे हम एपोफाइसिस कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा मेल कोन है, मेल कोन में भी हम इस स्पोरोफिल को फॉर्सेप्स से अगर निकाल लेते हैं तो जो स्ट्रक्चर है वो है माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल में आपको दो माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगे जिसमें स्लिट होगा। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जो टिप पे स्ट्रक्चर है वो एपोफाइसिस है। और पाइनस के केस में जो आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो विंग्ड पोलन ग्रेन्स होते हैं, स्पेशली विंग्ड पोलन ग्रेन्स होते हैं। सो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका मेल कोन क्या है, फीमेल कोन क्या है और आपका जो उसका कोन का स्ट्रक्चर है वो हो गया। उसके साथ साथ जो मेगा और माइक्रोस्पोरोफिल है और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं हम लोगों ने वो भी डिस्कस कर लिए। अब लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। मेल और फीमेल कोन में ही डेवलपमेंट हो रहा है। फीमेल कोन में डेवलपमेंट होगा मेगास्पोर का और मेल कोन में डेवलपमेंट होगा पोलन ग्रेन्स का। सो सबसे पहले क्या हो रहा है, जो हमारे मेल और फीमेल कोन्स हैं उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो ये स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं ये डिप्लॉइड हैं। मेगास्पोरोफिल में आपका ओव्यूल है, ओव्यूल में मेगास्पोर का फॉर्म, ओव्यूल के जो सेल्स हैं उसकी हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे, डिटेल को हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक स्पेसिफिक स्टेप को डिस्कस करेंगे। बट अगर शॉर्ट में समझना हो तो उसके लिए बता रहे हैं, ओव्यूल्स में डेवलप होगा मेगास्पोर जो कि हैप्लॉइड होगा। ओव्यूल्स के जो सेल्स होंगे उसमें मियोसिस होगी और यहाँ से हैप्लॉइड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो प्लांट बॉडी है वहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्टेज है वो स्पोरोफिटिक यानी डिप्लॉइड है। वहाँ से यहाँ तक जितने भी सेल्स हैं वो सब डिप्लॉइड है, लेकिन जैसे ही मियोसिस होती है तो उसमें ओव्यूल में एक हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक तो हो गई फीमेल कोन में डेवलपमेंट की बात। उसके बाद हम मेल कोन में अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें आपका मेल कोन है, मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के जो सेल्स हैं उसमें जब मियोसिस होती है तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये हैप्लॉइड पोलन ग्रेन है, यानी कि जैसे ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए पोलन ग्रेन को फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन भी कहते हैं। और अगर आप उधर देखें तो वहाँ पे ओव्यूल्स में मियोसिस होती है, जब उनके स्पेसिफिक जो सेल्स हैं उसमें जब मियोसिस होती है तो हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो हैप्लॉइड जो मेगास्पोर है वो भी फर्स्ट सेल है गैमेटोफिटिक जनरेशन का इस केस में। सो यहाँ से जैसे ही मेगास्पोर और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ से गैमेटोफिटिक यानी कि हैप्लॉइड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ये जो आप ब्लू एरोज देख रहे हो ये हैप्लॉइड
को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये जो रेड एरोज हैं ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। सो ये जो पोलन ग्रेन है ये हैप्लॉइड है, यहाँ पे जो मेगास्पोर है ये भी हैप्लॉइड है। अब उसके बाद जो ये पोलन ग्रेन है उसमें पॉलिनेशन होगा, यानी पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल कोन टू द फीमेल कोन। सो ये इसके बाद ये जो पोलन ग्रेन है इसका आगे का डेवलपमेंट वहाँ पे होगा। सो डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट आफ्टर पॉलिनेशन, जिसमें कि कुछ न्यूक्लियाई बनेंगे जो कि जिसमें कि एक मेल न्यूक्लियस मेन है जो हमारा लाइफ साइकिल को आगे प्रोसीड करेगा। सो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है उसमें डेवलपमेंट होगा मेल न्यूक्लियस का। सो ये जो स्टेजेस हैं ये आपकी हैप्लॉइड स्टेजेस में आ रही हैं। उसी तरीके से सिमिलरली जो हमारा मेगास्पोर है वो भी हमारा फर्स्ट सेल है हमारा फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन का। यहाँ पे भी हैप्लॉइड स्टेजेस यानी कि गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाएगा। इस मेगास्पोर में फर्दर डेवलपमेंट होगा जिससे कि आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होगा और उससे एक हैप्लॉइड एग का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो सारी स्टेजेस चल रही हैं जिसमें ब्लू एरो लगा हुआ है वो गैमेटोफिटिक यानी कि हैप्लॉइड स्टेजेस हैं। उसके बाद क्या होता है, एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू ये मेल न्यूक्लियाई एग तक पहुंचता है, और फिर जैसे ही मेल न्यूक्लियस और एग का फ्यूजन होता है डिप्लॉइड स्टेज स्टार्ट हो जाती है, यानी कि स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। सो जायगोट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन इन दिस केस। फिर ये जो डिप्लॉइड जायगोट है इससे डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, उसी से डिप्लॉइड सीड बनेगी, और ये सीड जब जर्मिनेट करेगा तो इससे सीडलिंग बनेगी और फिर से हमारा स्पोरोफिटिक प्लांट जो कि डिप्लॉइड है वो बन जाएगा। सो इस तरीके से हमारा जो जिम्नोस्पर्म्स है उसमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। किस तरीके से, जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है, वो मोनोशियस भी हो सकती है और डायोशियस भी हो सकती है। ठीक है, अगर वो मोनोशियस है तो उसमें जो मेल और फीमेल कोन है वो सेम प्लांट पे होंगे, अगर वो डायोशियस है तो मेल और फीमेल कोन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे होंगे। तो यहाँ जो एग्जांपल है वो पाइनस का है, तो पाइनस मोनोशियस होता है। सो इसलिए हमारा जो मेल और फीमेल कोन है वो एक ही प्लांट पे मौजूद है। इसमें मेल कोन और फीमेल कोन प्रेजेंट होते हैं, उसमें डेवलपमेंट हो रहा होता है, इन सब कोन्स में डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो मेल कोन में जो फॉर्मेशन होगा वो पोलन ग्रेन का होगा जो कि हैप्लॉइड है, यानी कि पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन के बाद से ही गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। सो जो स्पोरोफिटिक प्लांट है वहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्टेजेस हैं वो स्पोरोफिटिक हैं यानी कि डिप्लॉइड हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा वैसे ही गैमेटोफिटिक यानी कि हैप्लॉइड स्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगी, और यहाँ फीमेल कोन के केस में भी मेगास्पोर का जैसे ही फॉर्मेशन होगा वैसे ही हमारी जो गैमेटोफिटिक या हैप्लॉइड स्टेजेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। सो लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल में यहाँ से हमारा जैसे ही पोलन ग्रेन और मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है वैसे ही गैमेटोफिटिक यानी कि हैप्लॉइड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। फिर ये स्टेज तब तक चलती है जब तक फ्यूजन नहीं हो जाता मेल न्यूक्लियाई और एग का। जैसे ही मेल न्यूक्लियाई और एग का फ्यूजन हो जाएगा जायगोट यानी कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा और स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाएगी। सो मेल न्यूक्लियाई और एग का फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो सीड जर्मिनेट करेगी सीड, उसके बाद फिर स्पोरोफिटिक प्लांट बन जाएगा। सो ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जिसमें कि दो फेजेस यानी कि स्पोरोफिटिक फेज जो कि यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और गैमेटोफिटिक फेज जो कि यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है फर्टिलाइजेशन के पहले तक वो है। तो स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक फेज एक के बाद एक साइक्लिक वे में आ रही हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल है जिसमें मैंने मेन एग्जांपल पाइनस का लिया था। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।